नमस्कार, आपका स्वागत है राजनामा टीवी पे। मैं पूनम आपके साथ। एक्टर सुनील शेट्टी के बेटे आहान शेट्टी ने 28 दिसंबर को अपना 28वां जन्मदिन मनाया। इस मौके पर प्रोड्यूसर साजिद नाडियावाला ने न केवल उन्हें बधाई दी बल्कि उनके साथ एक नई फिल्म की अनाउंसमेंट भी की है। बता दें कि आहान की पहली फिल्म तड़प फॉक्स मीडिया और नाडियावाला ग्रैंडसन एंटरटेनमेंट द्वारा बनाई गई थी। रिपोर्ट्स के मुताबिक एक्टर की अपकमिंग फिल्म बड़े बजट की होगी। साजिद नाडियावाला ने आहान के साथ फोटो शेयर करते हुए लिखा, डियर आहान, आपको जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। अब गिफ्ट खुलने का अगले महीने तक इंतज़ार नहीं कर सकते क्योंकि हम इसके लिए बेहद एक्साइटेड हैं। अब जब हम साथ में माइलस्टोन पाने के लिए एक नए सफर पर निकल चुके हैं तो इसे सेलिब्रेट करते हैं। एक रिपोर्ट के अनुसार फिल्म में आहान के अपोजिट लीड एक्ट्रेस कौन है ये अब तक तय नहीं हुआ है। इसके अलावा फिल्म का बजट लगभग 75 करोड़ रुपये रखा गया है। हालांकि भी मेकर्स ने फिल्म से जुड़ी किसी भी बात की पुष्टि नहीं की है। आहान शेट्टी ने फिल्म तड़प से अपना बॉलीवुड में डेब्यू किया है। इस एक्शन ड्रामा फिल्म में आहान की एक्टिंग की काफ़ी तारीफ हुई लेकिन फिल्म बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप साबित हुई। इस फिल्म में उनके साथ तारा सुतारिया भी लीड रोल में थी। इसे मिलन लुधरिया ने डायरेक्ट किया था। आहान ने पहले एक इंटरव्यू में खुलासा किया था कि वो फिल्म में वजन बढ़ाने के लिए दिन में 11 से 12 बार खाना खाते थे। इसी के साथ बने राजनामा टीवी के साथ। धन्यवाद।